अस्सलाम वालेकुम, सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जैज़ कैश के इस डेबिट कार्ड के फ़ायदे बताने जा रहा हूं, और इसके अलावा मैं आपको जैज़ कैश की एक लेटेस्ट ऑफ़र के बारे में बताऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम इस जनवरी 2020 में अपना जैज़ कैश का ये डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो हम ये बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बाकी दिनों में अगर हम ऑर्डर करें तो इस कार्ड की कीमत 600 रुपये होती है। और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑर्डर करके ये कार्ड मंगवा सकते हैं। आज मैं अपना कार्ड ऑर्डर करूंगा वीडियो में ही आपके सामने। सब्सक्राइब करें सीखो यार यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उर्दू मालूमती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम बात करते हैं जैज़ कैश के इस डेबिट कार्ड के फ़ायदों के बारे में। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जैज़ कैश अकाउंट में पैसे पड़े हों और आप किसी भी दुकान से पैसे निकलवाने जाएं, तो आपको पता है कि जब 1000 रुपया निकलवाते हैं तो उस पर 20 रुपये काट लिए जाते हैं। लेकिन बात 20 रुपये की नहीं है, क्योंकि हमने अगर 1-2 हज़ार निकलवाने हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला उस वक्त होता है जब हमने ज़्यादा पैसे निकलवाने हों, तो हर 1000 के 20-20 करके इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास ये जैज़ कैश का डेबिट कार्ड हो और आप मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ATM मशीन पर चले जाएँ और वहाँ पर इस डेबिट कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवाएँ, तो 1 रुपये की भी कटौती नहीं होगी। यानी कि मैंने काफ़ी बार निकलवाए हैं इस तरह से, तो जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे बिल्कुल उतने निकल आएंगे, 1 रुपया भी आपके अकाउंट से इजाफी नहीं काटा जाएगा। और इसके अलावा इसका अगला फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर मशीन पड़ी होती हैं स्वाइप करने वाली, तो आप कार्ड को स्वाइप करके वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पाकिस्तान भर में किसी भी ATM मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं इस डेबिट कार्ड के ज़रिए। और इसके अलावा इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि इसकी कोई भी महाना या सालाना फ़ीस नहीं है, क्योंकि मैं HBL का ATM कार्ड भी यूज़ करता हूँ डेबिट कार्ड, तो उसकी सालाना फ़ीस होती है जो कि 1000 रुपये से ऊपर ही हर साल मुझे पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये जैज़ के डेबिट कार्ड की कोई फ़ीस नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि अगर आप जैज़ कैश के इस डेबिट कार्ड से मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ATM मशीन के अलावा किसी भी दूसरे बैंक की ATM मशीन से पैसे निकलवाते हैं, तो उस सूरत में पैसे फ्री में नहीं निकलेंगे, बल्कि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो चार्जेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने अगर हम दुकान से पैसे निकलवाएं तो चार्जेस होते हैं। और इन चार्जेस की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीनशॉट में शो भी कर रहा हूँ, आप इसके अलावा जैज़ कैश की वेबसाइट पर जाके भी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस ऑफ़र की तमाम डिटेल्स बताता हूँ। ये जो जैज़ कैश वाले कह रहे हैं कि आप फ्री में कैसे डेबिट कार्ड हासिल कर सकते हैं, इस ऑफ़र की डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान इस डेबिट कार्ड का ऑर्डर करेंगे तो उनको ये कार्ड फ्री में मिल सकता है। और कार्ड ऑर्डर करते टाइम हमारे जैज़ कैश अकाउंट में तकरीबन 600 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि 599 रुपये हमारे अकाउंट में से कट जाएँगे, और जब कट जाएंगे तो उसके बाद हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद ठीक 15 दिन के अंदर हमारा कार्ड हमारे दिए गए एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा TCS के थ्रू या फिर किसी भी दूसरे कॉरियर के ज़रिए। जब कार्ड हम तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि 29 फरवरी तक का हमारे पास टाइम होगा। 29 फरवरी 2020 से पहले पहले हमने उस कार्ड में से कोई भी शॉपिंग वाली ट्रांजैक्शन करनी है, वो शॉपिंग हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर फिज़िकली आप किसी भी स्टोर में जाएं जहाँ पे मशीन पड़ी होती है, जहाँ पे स्वाइप कार्ड को करना है, तो आप उस तरह से ट्रांजैक्शन कर लें। तो जब वो ट्रांजैक्शन हम कर लेंगे उसके बाद ठीक 10 दिन के अंदर अंदर हमारे जो 600 रुपये हमने शुरू में पे किया था जैज़ कैश को इस डेबिट कार्ड का, वो 600 रुपया हमें वापस कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि वो पैसे लेके फिर वापस शायद नहीं करेंगे, तो ये मैं बात आपको असल में 2 वजूहात की बिना पे कह रहा हूँ। एक तो उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की है जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि जो पैसे शुरू में काटे जाएंगे वो वापस कर दिए जाएंगे, और दूसरा मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था लास्ट टाइम तो मुझे ये कार्ड
जो मैंने जब ये कार ऑर्डर किया था ना, तो उस टाइम मुझे इसके पैसे वापस मिल गए थे, क्योंकि उस टाइम भी यही ऑफ़र चल रही थी जनवरी 2019 में। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस जैज़ कैश की ऑफ़र की तमाम डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जब तक आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक एक करके फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप जैज़ कैश का ये डेबिट कार्ड फ्री में हासिल नहीं कर सकते हैं। इनकी पहली कंडीशन है, कस्टमर शैल बी एलिजिबल फॉर कार्ड फी कैशबैक आफ्टर फर्स्ट शॉपिंग और POS परचेज ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शन शॉपिंग वाली ही करनी है, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि हम ATM से पैसे निकलवा के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली कंडीशन में ये क्लियर किया है कि ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि शॉपिंग वाली ही करनी है। और मैंने दो बार इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके दो मुख्तलिफ बंदों की राय ली है, उन दोनों का यही कहना था कि ट्रांजैक्शन शॉपिंग वाली ही करनी है, और शॉपिंग हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फिज़िकली किसी स्टोर पर जाके कार्ड स्वाइप करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अगली कंडीशन है, द ऑफ़र इज़ वैलिड फॉर कस्टमर्स हु ऑर्डर देयर जैज़ कैश डेबिट कार्ड फ्रॉम 1st to 31st January 2020। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक, यानी कि इस जनवरी के महीने में जो लोग अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे, वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अगली कंडीशन है, फ़ी विल बी क्रेडिटेड इन टू कस्टमर्स मोबाइल वॉलेट विद इन 10 working days। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये पैसे होंगे वो हमें 10 दिन के अंदर, ट्रांजैक्शन करने के बाद 10 दिन के अंदर हमारे मोबाइल अकाउंट में, जैज़ कैश अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अच्छा, अभी इनकी अगली कंडीशन है, दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर एंड कैन बी विदड्रॉन और चेंज्ड बाय जैज़ कैश एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। इसका मतलब ये है कि ये जैज़ कैश किसी भी टाइम इस ऑफ़र को ख़त्म करने का हक रखता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, द फाइनल डिसीजन फॉर कस्टमर कैशबैक एलिजिबिलिटी विल रेस्ट विद जैज़ कैश। कि ये जैज़ कैश का डिसीजन ही होगा कि वो किसको कस्टमर एलिजिबल है या नहीं, इस चीज़ का फैसला करना। इसके बाद अगला पॉइंट है, दिस इज देर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू बिकम एलिजिबल। यहाँ पे वो ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी कि पैसों की कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह से हम चैलेंजेस पूरे करते थे, हम एक एक रुपया की भी ट्रांजैक्शन करते रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप कोई भी सस्ती से सस्ती चीज़ खरीद लें, कोई भी शॉपिंग कर लें। अगला पॉइंट है, ओनली कस्टमर्स हु प्रीवियसली हैड नो जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड इशूड टू दैम आर एलिजिबल। तो इसमें भी आपके एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही कार्ड होता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी का गुम हो गया या किसी का कार्ड चोरी हो गया है, तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम दोबारा कार्ड ऑर्डर करें तो हमें भी फ्री में मिल सकता है या नहीं। तो इसका क्लियर जवाब है कि उनको नहीं फ्री मिल सकता है। ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ नए लोगों के लिए है जिन्होंने अपना कार्ड नहीं बनवाया पहले। अगला पॉइंट है, कस्टमर्स हु हैव द ओल्ड कार्ड एंड हैव अप्लाइड फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड EMV कार्ड। यानी कि वो कस्टमर जिनके पास पहले कोई पुराना कार्ड था और उन्होंने जो नया इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने EMV कार्ड उसके लिए अप्लाई किया है, तो उनको वो भी फ्री में नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नए लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कभी पहले अपना कार्ड बनवाया ही नहीं है डेबिट कार्ड। तो मैंने आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। अब स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली ऑर्डर करते हैं कार्ड का। दोस्तों, जैज़ कैश का डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए हम सबसे पहले फेसबुक पे जाके जैज़ कैश का ऑफिशियल फेसबुक पेज ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी मेरे सामने जैज़ कैश का ऑफिशियल पेज है, और यहाँ पे इनकी तरफ से एक पोस्ट की गई है 2 जनवरी को, और इस पोस्ट पे यहाँ पे आपको सी मोर का बटन नज़र आएगा, ताकि हमारे सामने पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाए। यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक लिंक दिया गया है कार्ड ऑर्डर करने के लिए, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपने। जैसे ही हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैज़ कैश की वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके ऊपर कार्ड ऑर्डर करने वाला पेज आ गया है। यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है ऑर्डर नाउ, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अब आप देखें कि हमारे सामने 4 स्टेप्स होंगे, ये 4 स्टेप्स हमने पूरे करने हैं, उसके बाद हमारा कार्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप पर हमसे 2 चीज़ें मांगी जा रही हैं। नंबर 1 पे मोबाइल नंबर, कि जिस नंबर पर हमारा जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है, और दूसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड नंबर। ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें, हम आ चुके हैं स्टेप 2 पे, और स्टेप 2 के ऊपर यहाँ पे हमें नाम लिखने का ऑप्शन आ रहा है,
और नाम हमने वो लिखना है जो एग्जैक्ट नाम है जिसके ऊपर, जो यानी कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वही हमारे जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर भी लिखा आएगा। और अगर आपको स्पेलिंग्स में थोड़ा सा इशू आ रहा हो कि आप वो नाम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आप ऐसे करें कि किसी भी दूसरे के जैज़ कैश अकाउंट से अपने अकाउंट के ऊपर जब पैसे सेंड करने लगेंगे तो उस टाइम पे आपके सामने नाम शो कर दिया जाता है। जब वो वहाँ पे पिन लगानी होती है उस टाइम पे आपके पास नाम शो कर दिया जाएगा, तो वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने होंगे। दोस्तों आप देखें, नाम मैंने लिख दिया है, तो अब नीचे यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब कार्ड आप तक डिलीवर करने वो लगें तो अगर किसी वजह से आपका नंबर बंद होता है तो वो किसी दूसरे जो यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे उसके ज़रिए आपसे रابطہ कर लें। और उसके बाद ये नीचे ईमेल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद हु रेफर्ड यू टू जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड, ये भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं कि किसने आपको रेफ़र किया कि आप अपना जैज़ कैश का डेबिट कार्ड बनाओ, तो आप किसी का भी यहाँ पे नंबर लिख दें, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने अपना शहर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्योंकि पाकपतन से हूँ तो मैं यहाँ पर अपना शहर पाकपतन शरीफ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस लिखना है अपना कि जिस एड्रेस पर वो कार्ड डिलीवर करेंगे, तो यहाँ पर मैं हाउस ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे रिसीव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पे हमने स्ट्रीट सिलेक्ट कर लेनी है, स्ट्रीट या गली या कुछ भी, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, बल्कि यहाँ पे पाकपतन ही लिख देते हैं। और यहाँ पे टाउन मोहल्ला जो भी आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर मैं अपना गाँव का नाम ही लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे है नियर बाय लैंडमार्क, यहाँ पे आपने कोई भी अपने आसपास जो तारीख़ी इमारत है वो लिखनी है, यानी कि जैसे मैं पाकपतन में रहता हूँ तो पाकपतन में दरबार बाबा फरीद बहुत एक इम्पॉर्टेंट मशहूर जगह है, तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा। और ये सारी मालूमात लिखने के बाद हमने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हम आ चुके हैं जी स्टेप नंबर 3 के ऊपर, और स्टेप नंबर 3 पे ये ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और यहाँ पे हमारे सामने ये प्राइस शो हो रही है, और ये जो स्टेप है ये हमारा पेमेंट करने का स्टेप है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड, एक बार चेक कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो अभी ये पेमेंट वाला ऑप्शन है, ये देखिए हमारे मेरे सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है कि आप 599 रुपये पे करें। अपनी यहाँ पे पिन कोड लगा देता हूँ, पिन कोड लगाने के बाद मैं सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी पेमेंट हो चुकी है। अभी यहाँ पर ऑर्डर का कन्फर्मेशन वाला मैसेज शो हो जाएगा, ऊपर मैसेज आ गया आपने पे कर दिए हैं पैसे। और ये देख सकते हैं नीचे, थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड एंड मेरा ऑर्डर भी कंफर्म हो चुका है। और ये नीचे लिखा रहा है कि द कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस विद इन 15 वर्किंग डेज, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेता हूँ ताकि अगर उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़े, अपने इस ऑर्डर को ट्रैक करना पड़े, तो मैं ईज़िली ट्रैक कर पाऊँ। दोस्तों अपना कार्ड मैंने आपके सामने ऑर्डर कर दिया है, अब जब ये कार्ड डिलीवर होगा तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इस कार्ड को एक्टिवेट करना है और किस तरह से इससे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक करके मुझे कॉन्फिडेंस दें ताकि मैं इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।